हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण तिवारी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ड्रीम फिजिक अपनी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं चालू करूँगा चेस। जैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, जो मैं देखता हूँ जिम में लड़के गलती करते हैं, लड़के जाते हैं जिम में, वो इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं, फ्लैट बेंच प्रेस लगाते हैं, बट डिक्लाइन बेंच प्रेस नहीं लगाते, वो लोअर चेस्ट का वर्कआउट नहीं करते, जिसके कारण एक उनकी गुड लुकिंग चेस्ट और वेल शेप चेस्ट उनकी नहीं डेवलप हो पाती। ये उनके उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चेस्ट का वर्कआउट कैसे करें जिससे आपकी एक गुड लुकिंग चेस्ट और एक मस्कुलर चेस्ट बिल्ड हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारे चेस्ट वर्कआउट की तरफ। लेट्स गो। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज को आपको कैसे लगाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम आज जितनी भी एक्सरसाइज लगाएंगे सबकी रिपीटेशन आपके 8 से लेके 15 के बीच में रहेंगे। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको बारबेल को अपने शोल्डर से 4 इंच बाहर पकड़ना है। दूसरा, इस एक्सरसाइज को लगाते समय आपके एल्बो जो रहेंगे वो शोल्डर के पैरेलल नहीं रहेंगे, शोल्डर से आगे की तरफ रहेंगे। और तीसरी चीज़, आपके ग्लूट्स और जो आपकी जो बैक का अपर पार्ट है उसके बीच में हमेशा एक आर्च मेंटेन करना है आपको। तो चलिए अब एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद करना हमें इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल के साथ। तो इसमें भी आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्सरसाइज के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। इसमें भी आपको अपने लोअर बैक में आर्च को मेंटेन करके रखना है। आपके एल्बो इसमें भी फॉरवर्ड पोजीशन पे रहेंगे और इसमें एक जो मेन पोजीशन है वो आपके बेंच की होती है। आपको इसको 45 डिग्री से नीचे और 30 डिग्री से ऊपर रखना है। तो चलिए अब अपने एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है बारबेल डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर चेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा और एक अच्छी वेल शेप्ड चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई। ये आपके अपर चेस्ट में शेप देने के लिए बहुत कारगर एक्सरसाइज है। तो चलिए आइए करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको डंबल्स को ऊपर चिपकाना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
और जब आप डंबल्स को नीचे करेंगे वेट को, तो आपको एल्बो को थोड़ा बेंड ही रखना है, आपको एल्बो को आपको सीधा नहीं रखना है। अगर आप हाथ को सीधा रखेंगे तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस हैं। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है डंबल पुल ओवर की, पर आप इसके लिए कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये बैक की एक्सरसाइज है कि चेस्ट की एक्सरसाइज है। ये एक्चुअली दोनों में वर्क करती है, आपके बैक में भी वर्क करती है, आपके चेस्ट में भी वर्क करती है। इसका काम ही आपकी बॉडी के अपर पार्ट को टोन करना है, पर मैं इसको चेस्ट के दिन रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये चेस्ट के दिन ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो चलिए आइए कंप्लीट करते हैं डंबल पुल ओवर। इस एक्सरसाइज में आपको डंबल को उठाना है, आपको उसको अपने हेड के सामने रखना है और हाथ को सीधी तरह से नीचे ले जाते हुए इस पोजीशन में लाना है, वापस कुछ उसी पोजीशन में। इसके भी आपको कम से कम 8 से 15 रेप निकालने हैं, जितने आप निकाल सकें, और इसके भी आपको 4 सेट करना है। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हैं। तो आज की हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है मशीन फ्लाई, जो आपकी चेस्ट को मिड सेक्शन को शेप देने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। तो चलिए आइए करते हैं। तो गाइस, इस तरह से आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट खत्म होता है। इसमें मैंने जिस सीक्वेंस में आपको एक्सरसाइज बताई है, आप उसी सीक्वेंस में करिए। विद इन 45 डेज आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है और वेल मेंटेन फिजिक। मंडे के दिन आप 2 मसल ट्रेन करेंगे, ट्यूजडे के दिन 2 मसल ट्रेन करेंगे, वेडनेसडे के दिन 2 मसल ट्रेन करेंगे। इस तरह से आप वीक में जो 6 दिन आएंगे आप 2-2 मसल को ट्रेन करेंगे। आपको हर मसल के लिए मैं 4 डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपको लगाने हैं और आपकी मसल ग्रो होगी। विद इन 45 डेज आप रिजल्ट देखेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ जो बिगनर्स के लिए है, जो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, मैं बिगनर्स के लिए बता देता हूँ। प्लीज़ जितने भी अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको फैंसी एक्सरसाइज बताते हैं, आप उन एक्सरसाइज पे मत जाइए। आप अपने बेसिक एक्सरसाइज को फॉलो करिए, जो बेसिक है, जो हमारे जो पुराने जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट हैं, जो एक्सरसाइज को फॉलो करते थे, आप उन्हीं एक्सरसाइज को फॉलो करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप फैंसी एक्सरसाइज की तरफ मत भागिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।